Okay? Yeah, वो I just lost balance. You're sure? Rehearsals फिर से करें? I'm sorry, दो मिनट का ब्रेक मिल सकता है? Okay, fine. Come. तुम ठीक हो ना? Rubbish. इतने सारी tantrums already. एक तो lines याद नहीं है, ऊपर से बेहोशी की acting. अब है, you don't worry. Help me. तुम अपने rehearsals मेरे साथ करोगे. यहाँ पे सारे unprofessional नहीं है. अब है मुझे चक्कर आ रहे हैं. अब I'm gonna faint, अब है I'm gonna faint. क्या है मधु? इनविटेशन है. अरे रायचंद क्या पार्टी है भाई? आई नो दैट. उनका फोन कॉल भी आया था. पता है ना, क्लब के सारे मेंबर्स भी जा रहे हैं. अच्छा. ओ गॉड, फिर से पार्टी. उस टी को तो आज बीमारी हो गई थी ना. पार्टी पार्टी पार्टी, हम नहीं जाएंगे पापा प्लीज. ऐसा नहीं कहते भाई, उन्होंने हमें इनवाइट किया है. They're new in town, we must go. पर पापा, हमें नहीं जाना. आप लोग जाइए ना प्लीज. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. हम सबको बुलाए और तुम्हारे नाम का तो इनविटेशन है पर्सनली. देखो, चलना तो हमें पड़ेगा. पार्टी कल है और इनविटेशन आज आ रहा है, लेकिन फिर भी देखना, पूरा शहर पहुंचेगा कल. एवरीबॉडी इज क्यूरियस अबाउट दिस रायचंद. सब जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ये है कौन लोग जिनके आने से शहर में इतना हंगामा मच गया. मैं भी मिलना चाहूंगा उन लोगों से. वेरी ट्रू. वैसे पंछी, मैंने तुम्हारे कंफर्मेशन तो दे दी. इनफैक्ट तुम दोनों की कंफर्मेशन दे चुके हो. बट मॉम इज नॉट. एक्सक्यूज मी कबीर, ओह माय गॉड, आई होप इसे भी इनवाइट किया, वरना मैं बोर होके पंछी को खा लूंगी. हे कबीरा, प्लीज टेल मी कि तुम भी उस स्टूपिड पार्टी में आ रहे हो. प्लीज प्लीज प्रिटी प्लीज. व्हाट? क्यों? पापा, कबीर के पापा उसे पार्टी में आने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं. वो नहीं आ रहा है. मैं जाकर उनकी बेटी बन जाती हूँ. फोन लो. हेलो कबीर, जिक्स को फोन देना. Hey Dad, Arnab uncle. हाँ. Hello. हाँ भाई Jigs. कल आ रहे हो ना पार्टी में? Big night buddy. रायचंद की हवेली की सीक्रेट्स तो पता चले. हाँ यार, सुना है बड़े पैसे वाले लोग हैं. यहाँ कोई उन्हें जानता नहीं है और ना ही वो किसी को जानते हैं. हाँ जानते होते तो क्या वो भूतिया हवेली खरीदते? लगता है किसी ने गलत एडवाइस दे दी उन्हें. जंगल के बीच सफेद हाथी खरीद लिया. वहां तो अब सूरज भी जाने को मना करता है. सब यही कह रहे थे. उस घर में ना सूरज, रोशनी, हवा,
सब कुछ पुरानी है। स्कैरी हाउस ब्रदर। कितने बजे पहुंच रहे हो? और मैं क्या सुन रहा हूं, कबीर क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट रबिश, कबीर क्या, कबीर का बाप भी आ रहा है। हाँ। और वो दानिश को भी लेकर आ रहा हूँ। अरे हर चीज में बच्चों की थोड़ी चलेगी। मेरे घर पे आके देखो क्या ड्रामा चल रहा है, सब ऐसे रूठे बैठे हुए हैं। तुम अपने महारथियों को संभालो और लेकर आओ, मैं इनको देखता हूँ। थाई कुजीन, चाइनीज, इटालियन, ऑल डन। बेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट्स, डन। बेस्ट म्यूजिक डीजे, डन। मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रिंक्स और दिल्ली का सबसे अच्छा बारटेंडर, डन। मैडम आप कोई सिंपल ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? ब्लड। मैडम अगर कोई भी गलती हुई। ऑफ कोर्स कोई गलती नहीं होगी मैडम, आप बेफिक्र रहिए। आई थॉट हम लो प्रोफाइल रखने वाले थे, तो फिर ये पार्टी किस लिए? ऐसे यहां के लोग बहुत बकवास करते हैं, उन्हें हमारे घर बुलाने की जरूरत क्या है? जरूरत है, उन्हें बात करने का बहुत शौक है, हम मौका देंगे उन्हें बात करने का। रायचंद की पार्टी के सिवा किसी भी घर में कोई और डिस्कशन नहीं होगी, और इस पार्टी के बाद पूरा शहर हमारे बारे में बात करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हम चाहते हैं। Oh my God, मुझे नहीं जाना है। पापा मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? और मेरे पास तो कुछ पहनने के लिए भी नहीं है। Come on, मिशा, इस बेड पे पूरे शहर को पहनाने के लिए ड्रेसेस हैं। Exactly, ड्रेसेस। मैं क्या तुम्हें बाबी नजर आती हूँ कि मैं ये लेस की दुकान पहनकर जाऊंगी? मिशा, you're not ready yet. 5 minutes. मॉम ने ऐसे देखे ना, you're dead. मिशा, ये पर्पल वाइट ड्रेस पहन लो। देखो बिल्कुल गर्ली नहीं, you can wear it over my dead body. Come on, मिशा, जल्दी पहनो, वरना सच में डेड बॉडी को पहना के भेज दूंगी। मिशा, what the hell are you doing? You don't wear those, okay? तो क्या तुम्हारी तरह लिटिल बो पीप बनकर जाऊं? स्टूपिड, तुम पिंक पफी पेस्ट्री की तरह लग रही हो। जस्ट शट अप। तुमसे किसी ने पूछा? तुमसे तो अच्छा है, झल्ली लगने से बेटर है। कबीर, हेलो। आहा, कबीर फॉर पिया। व्हाट सीक्रेट बातें मिशा? लव इज इन द एयर। She's got off limits, huh? Off limits? Yep, off limits for us. Oh. Okay, excuse me, madam. 5 minutes. हाँ कबीर, बोलो। क्या कर रही थी? मैं मिशा को इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Well, good luck with that. So, am I seeing you this evening? आज, no, not me. क्यों? Hey Pia, please don't do that. I mean, मैं तुम्हारे बिना पार्टी में क्या करूँगा? Come on कबीर, मैं invited भी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे आना भी नहीं है। Oh come on Pia, मैं तो invited हूँ ना, तुम मेरी date बनकर आ जाना। No कबीर, अच्छा चलो मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या पहन रहे हो? Well अब वैसे तो डैड मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि फटी जीन्स और गंजी। That's a very nice idea, क्योंकि मिशा का भी कुछ ऐसे ही idea। या तुम दोनों she can be your date? वैसे पिया, on a serious note, चलो ना। मैंने कहा ना कबीर, no। Fine, तो मैं भी नहीं जा रहा। Shut up कबीर, तुम जा रहे हो, okay? So tomorrow? For dinner? Yeah, okay. Just you and me? फिर जितनी मर्जी है लड़ लेना। Okay? Yeah, okay, yeah. Hi. Okay? Yeah, okay. I'm not okay. Let's go. Okay, bye, कबीर. अब
तुम बताओ कि तुम क्या पहनने वाले हो? मैं? हाँ, तुम्हारी डेट के लिए। Come on, मिशा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पहन लूंगी। अच्छा, मुझे ये गंदी लेसी चीजें पहना रही हो और अपने टर्न पे कुछ भी पहन लोगी। चूज करो वरना मैं तुम्हें अपने ये गंदे स्नीकर्स पहना दूंगी। ओह माय गॉड, मिशा तुम अभी भी शॉर्ट्स पहने बैठी हुई हो? क्या कर रही हो तुम? सुपर फास्ट मॉमी, 5 मिनट्स, प्लीज डांटना मत। 5 मिनट में तैयार होकर आई ना तो जरूर मारूंगी। ठीक से तैयार होकर आओ। और हाँ, आज बाल में कंघी जरूर डालना, ठीक है? हाँ, पंछी को देखो कितने अच्छे से तैयार होकर आई है। बस नाइफ से काटने की देरी है। पेस्ट्री आंटी, मॉम टेल हर टू शट अप। मिशा बकवास बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग अभी निकल रहे हैं। चलो, वी आर गेटिंग लेट। सुनो, हम जा रहे हैं और गाड़ी तुम्हारे लिए भिजवा देंगे। और हाँ, राम सिंह को बिल्कुल तंग मत करना, एक अच्छी लड़की की तरह गाड़ी में बैठ के आ जा, ठीक है? अरे पिया बेटा, तुम नहीं आ रही हो? आओ ना, सबको तो जानती हो वहाँ पे, एंजॉय करोगी। चलो। नहीं आंटी, एक्चुअली बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है, जब मन करे तो जरूर आ जाना। ओके, हम चलते हैं। मिशा के डैडी फास्ट चलो। या तुम ऐसा करो, तुम कल के लिए ड्रेस चूज कर लो, मैं लेट हो रही हूँ। ओके ओके। राम सिंह आप भी गए और मामा मुझे आज सबके सामने पीटेगी। पिया प्लीज ये सब अंदर रख देना एंड डोंट फॉरगेट योर ड्रेस। ओके, बहुत अच्छी लग रही हो। ओके व्हाटएवर, हैव फन, सी यू। ओप्स, आराम से जाओ। या बाय। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, हेलो पिया, मामा का फोन सिग्नल नहीं कैच कर रहा है, मैं इनवाइट घर पे भूल गई हूँ। और ये अभय रायचंद का वॉचमैन ना उसकी तरह सर फिर रहा है, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। लिसन, इससे पहले कि मामा मुझे गोली मार दे, प्लीज 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 इनवाइट लेके यहाँ आ जाओ। ओके, कहाँ रखा है? हाँ, ड्रेसिंग टेबल के राइट ड्रॉअर में है। ओके, वन सेकंड। या आई थिंक आई फाउंड इट। पिया जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। ओके ओके, आई एम कमिंग। हाँ, बाय। लीजिए मैडम, चाय पीजिए, लीजिए। थैंक यू। तो बात इतनी है राम प्रसाद, अगर मैं तुम्हारी बीवी की जगह होती ना तो दूध वाले की साइकिल जरूर पंचर कर देती। अब क्या करें मैडम। मिशा, पिया माय सेवियर, थैंक गॉड। तुम्हें पता है मामा के कितने फोन आ चुके हैं? लुकिंग नाइस, कल के डेट के लिए आज से ही तैयार हो गई। नहीं मिशा, वो मैं बस ट्राई कर रही थी, तुम्हारा फोन आया तो भागी चली आई। डूड, ये ड्रेस तुम ही रखो, तुम पे अच्छी लगती है। मैंने एक बार ट्राई की थी, घर का शीशा टूट गया। मैडम ये तो खाली है, कार्ड कहाँ है? शिट शिट शिट, व्हाट, ठीक से चेक करो। देखिए देखिए, आप खुद देखिए। आई एम सॉरी मिशा, शायद मैंने रास्ते में गिरा दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर। मफी अंकल, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मफी अंकल, माफीज लो, आज सब कुछ गलत होने वाला है। मिशा ड्राइवर भाई जी, प्लीज इसे अंदर जाने दीजिए ना। मैडम बगैर कार्ड के अंदर नहीं जाने दे सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। एक काम कीजिए आप,
अपनी मम्मी को फोन लगाइए और वो आकर आपको ले जाएंगी। No way! It's mom calling. उठाओ उठाओ उठाओ। No no no. विशा। क्या? चलो यहाँ से। रामप्रसाद, दूध वाले को जरूर मारना, ओके? हाँ जी। Let's go, let's go, let's go. Oops, मिशा, तुम्हारी ड्रेस फट गई है। Yikes! एक तो लेट, ऊपर से झल्ली, माँ विल किल मी। अरे तुम्हारी ड्रेस नहीं, जो तुम्हारी ड्रेस मैंने पहनी है वो फट गई है। क्या कर रही हो यार, मुझे हार्ट अटैक दोगी। अब ये डम ड्रेस तुम्हारी है। वैसे अगर ये फट गई है ना, इसकी मिनी स्कर्ट बना लो, कबीर विल लव इट। वेरी फनी। कम ऑन लूजर, लेट्स गो। पिया, ओ गॉड, पिया, श्श। What? मैंने तुम्हें कहा था ना कोई रास्ता मिलेगा। कम। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? चांद से उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें? तुम ये पार्टी गेट क्रैश कर रही हो। ओ प्लीज स्पेयर मी, ओके? कोई तुम्हारी पार्टी में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम्हारी मम ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया था। इट्स जस्ट दैट कि मैं इनवाइट घर पे भूल आई। और तुम्हारी मम को बुरा ना लगे ना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेरी मम मुझे ना बुरा फील करवाए, इसलिए हम लोग ये ड्रामा कर रहे हैं। गॉट इट? मैं तुमसे नहीं, इससे बात कर रहा हूं। She was not invited. तुम अपने को क्या समझते हो? मैं सिर्फ मिशा की हेल्प करने आई थी। I'm not interested in your stupid party. Right. Full makeup में, इन कपड़ों में, तुम मिशा को हेल्प करने आई थी। अंदर जाना हो तो जाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। पिया, listen to me, पिया। मिशा? Hi, mama. How are you? I'm fine. Thank you. मिशा दोब्रियाल, नीचे आइए। Mama, listen, please don't scold, okay? I swear, मैं अपना invitation card घर पे भूल आई और फिर मैंने, you know, the watchman didn't let me in. और मैंने पिया को बोला कि तुम invitation card लेकर आओ, पर वो सिर्फ envelope लेकर आई। Mama, it's a long story. तुम मुझे फोन तो कर सकती थी। आपको फोन करके सबके सामने झापड़ खाना है क्या? तुम इसी वक्त नीचे आओ वरना ऊपर आके थप्पड़ पड़ेगी तुम्हें। Okay. मामा, I swear, मेरी गलती नहीं थी, आप बिलीव करो या ना करो, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। Don't touch me, okay? तुम इतने rude और arrogant हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी stupid party में आने के लिए मुझे बहाने ढूंढने की जरूरत है? You think I'm even interested? Interested नहीं हो, तो फिर यहाँ fully dressed क्यों आई हो? तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। That means you're not invited. So you can leave now. Get lost. I'm telling you for the last time. मुझे तुम्हारी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ मिशा की हेल्प करने आई थी। You know what? Just forget it.